दोस्तों, शारदा कपूर लेके प्रभु का नाम सॉन्ग पर कहती है कि आज से पहले सलमान भाई की किसी भी मूवी में ऐसा सुपरहिट और डांसिंग सॉन्ग देखने को नहीं मिला था। इस बात की खुशी है कि भाई जान ने अरिजीत सिंह को माफ कर दिया और उन्होंने अरिजीत सिंह को एक और अपॉर्चुनिटी दी, और लग रहा है कि टाइगर 3 भी काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स होने वाली है। और वहीं इस मूवी के ट्रेलर को भी काफी पसंद किया जा रहा है, मानो दिवाली पर जो धमाका टाइगर 3 करने वाली है उससे पूरा बॉक्स ऑफिस हिल जाएगा। दोस्तों, लग रहा है कि टाइगर 3 अब इस बार नया रिकॉर्ड बना ही लेगी, क्योंकि इस मूवी के सॉन्ग भी काफी बढ़िया आ रहे हैं, जिसको वेडिंग सीजन्स में लोग काफी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि सॉन्ग ही काफी अच्छा है। अब टाइगर 3 को बहुत बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। टाइगर 3 में सलमान खान को धोखेबाज एजेंट दिखाया गया है, जो कि अपनी देशभक्ति को साबित करने की पूरी कोशिश करता है, और इस कोशिश के दौरान वो पाकिस्तान की खुफिया जेल में बंद हो जाता है, जिसको बचाने के लिए पठान भी आएगा। दोनों खान एक साथ आने वाले हैं तो सोचो कितनी बड़ी तबाही मचेगी और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड अस्त होने वाले हैं। सलमान भाई ने इस बार तो कमाल कर दिया है, और कहा जा रहा है कि ये सॉन्ग बहुत बड़ा सुपर हिट सॉन्ग साबित होगा और टाइगर 3 भी बहुत बड़ी कमाई करने वाली मूवी होने वाली है, क्योंकि शाहरुख और सलमान जब भी एक साथ आते हैं तो बहुत बड़ा बवाल मचता है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या टाइगर 3 जवान का और पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या एक नया रिकॉर्ड सलमान भाई बना सकते हैं? कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप सलमान और शाहरुख के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको टाइगर 3 की और आने वाली डंकी मूवी की सारी अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।